गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 3 आज आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें आपको आज कुछ नए टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें मुद्रा, बैंक, ऋण, ऋण की शर्तें, औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण, ऋण मान्य कर्ज, आज इन टॉपिकों पर चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले मुद्रा से। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर वन लाइनर में क्वेश्चन आता है कि मुद्रा क्या है, वन लाइनर में क्वेश्चन आता है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है वह माध्यम जिसके द्वारा हम चीजों या वस्तुओं या फिर सेवाओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। इसकी यह डेफिनेशन है कि मुद्रा क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। वह माध्यम खरीदते वस्तुओं व सेवाओं को खरीदते व बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या है वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं व सेवाओं को खरीदते व बेचते हैं, मुद्रा कहलाती है। 2006 2011 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 3 साल आया है। अगला प्रश्न, बैंक बैंक क्या है? वह संस्था जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है तथा भुगतान करती है तथा लोगों को ऋण प्रदान करती है, बैंक कहलाती है। वह संस्था जो लाभ प्राप्त करने जो उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है तथा भुगतान करती है ऋण प्रदान, बैंक बैंक क्या है? वह संस्था जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है तथा भुगतान करती है,
तथा ऋण प्रदान करती है, बैंक कहलाती है। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर में बार बार एक शब्द आ रहा है ऋण। ऋण क्या है? अगला प्रश्न, ऋण क्या है? दो हजार छह, 2018, 2019 यह एक सहमति है जिसके द्वारा उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में उसके भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है, ऋण कहलाता है। यह एक सहमति जिसमें ऋणदाता जो कर्ज दे रहा है, ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है तथा भविष्य में उनसे यानी कर देगा यह एक सहमति है जिसमें ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है तथा भविष्य में उनसे उसको वापस प्राप्त करने का वचन लेता है, ऋण का। ऋण क्या है? यह एक सहमति है जिसमें ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है तथा भविष्य में उनसे उसको वापस प्राप्त करने का वचन लेता है, ऋण कहलाता है। आगे बात करेंगे कि ऋण मिलता कैसे है, कर्ज या उधार ये मिलता कैसे है, तो उस पर है कि ऋण की शर्तें, अगली हेडिंग ऋण की शर्तें। प्रश्न बनाना है तो ये भी लिख सकते हैं कि ऋण की शर्तें क्या होती है। ब्याज दर भुगतान के तरीके ब्याज दर भुगतान के तरीके कागजात की मांग ब्याज दर भुगतान के तरीके कागजात की मांग इन सब को मिलाकर ऋण की शर्तें बनती हैं। ऋण की शर्तें क्या है? ब्याज दर भुगतान के तरीके कागजात की मांग इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें बनती हैं, यही ऋण की शर्तें होती हैं। अगला
जो प्रश्न है आपका, औपचारिक ऋण क्या है? इसमें लिखेंगे वह ऋण जो बैंकों तथा सहकारी समितियों से लिया जाता है। औपचारिक ऋण कहलाता है। औपचारिक ऋण वह ऋण जो बैंकों तथा सहकारी समितियों से लिया जाता है, औपचारिक ऋण कहलाता है। 2009। अगला प्रश्न, अनौपचारिक ऋण इसमें लिखेंगे वह ऋण जो साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार अथवा दोस्त इत्यादि से लिया जाता है, अनौपचारिक ऋण कहलाता है। व्यापारी, साहूकार मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से लिया जाता है। अनौपचारिक ऋण कहलाता है। आज आपका मुद्रा और साख चैप्टर खत्म। अगली क्लास में इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे, इसके बाद सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, फिर ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री। ऐसे करके आपका जो सिलेबस है हाई स्कूल का, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास यहीं पर।